कस्बा लहरपुर के मजाशाह चौराहे के निकट हर गांव बस अड्डा, लखीमपुर बस अड्डा, भदफर बस अड्डा, तंबौर बस अड्डे के सामने नगरपालिका के द्वारा एक वर्ष पूर्व सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया था, लेकिन इतने समय से ज्यादा होने पर भी इन शौचालयों को मात्र एक से दो बार ही खोला गया है, जिसके चलते लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। कस्बा लहरपुर के मजाशाह चौराहे के निकट हर गांव बस अड्डा, लखीमपुर बस अड्डा, बदफर बस अड्डा, तंबौर बस अड्डे के सामने नगरपालिका के द्वारा एक वर्ष पूर्व सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया था, लेकिन एक साल से अभी तक सिर्फ एक या दो दिन ही शौचालय खुल पाया है, उसके बाद बंद कर दिया गया। वहां पर उपस्थित लोगों ने बताया कि इस शौचालय को एक या दो बार खोला गया है और राहगीर, यात्री व नगर वासियों को शौच व टॉयलेट करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर महिला वर्ग को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जासमीर अंसारी के चेयरमैन पद पर कार्यरत होने के बाद से ही नगरपालिका के सभी कर्मचारी अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और कोई भी कार्य सुगमता पूर्वक नहीं करते, जिससे लहरपुर की जनता त्रस्त है। समस्या जब से शौचालय बनाया गया है तब से बंद है, इसमें ताला पड़ा है। अच्छा। जो महिलाएं या पुरुष आते हैं तो बाहर उसमें खुले में जाते हैं। अच्छा, ये लगभग कितने साल हो गए बने हुए? बने हुए लगभग लॉकडाउन में बना है, एक साल के समथिंग हो गया। अच्छा, एक बार भी नहीं खुला है? बस एक दो बार जब कोई अधिकारी बड़ा आया, इसमें विजिट हुई। हाँ। तब खुला, उसके बाद बंद ही रहा। अच्छा, ये किसके द्वारा बनाया गया? ये नगर पालिका के द्वारा। नगर पालिका के द्वारा बनाया गया, तो आप लोगों की क्या समस्या है? आप अपनी समस्या बताएं। खुले ये यहाँ का, जैसे लेटरिन वगैरह लग जाए, पेशाब वगैरह लग जाए, तो मतलब सवारी है, बस अड्डा है लखीमपुर, बदपर, हर गाँव, कोई पैसेंजर आ जाए तो मतलब लेटरिन लग जाए तो कहाँ जाएगा। सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ के कठारा शाखा अध्यक्ष राजू स्वामी जी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को विश्वकर्मा पूजा, गांधी जयंती, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई।